ऊपर राजनीति होनी चाहिए, वे मुद्दे तो सारे सारे के सारे गायब हो गए। अभी हम संविधान की बात कर रहे हैं, हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में ये वादा किया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष जो है रोजगार मिलेगा, लेकिन कितने रोजगार मिले? अभी आदरणीय मेरे से पूर्व में जो मान्यवर थे वो सारे आंकड़े बता रहे थे कि 3 करोड़ जो है युवा प्रतिवर्ष जो है बेरोजगार हो रहा। आप हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश के हाल देखो, अभी जो भर्ती हुई थी पुलिस कर्मी की जो भर्ती निकली थी उसमें 60,000 की भर्ती के लिए। नमस्कार, आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी के मानदेय को लेकर, आप सभी के समायोजन को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। ये खबर आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप सभी उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं। आप सभी को पता होगा कि आचार संहिता लगने के बाद से आप सभी की समस्याएं बढ़ चुकी हैं, जिसको लेकर अभी भी संगठन पूरे प्रयास में है। आप सभी की समस्याओं को देखते हुए आप सभी के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी का एक बहुत ही बड़ा बयान आप सभी के लिए आ रहा है, इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। टीके का ऐलान किया कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो सारे के सारे संविदा कर्मी वे नियमित करे जाएंगे और ये संविदा प्रथा खत्म करी जाएगी। अपने आप में बहुत ही स्वागत स्वागत करने योग्य कदम है। मैं भी आदरणीय राहुल गांधी जी का हृदय की गहराई से वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में ये वादा किया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष जो है रोजगार मिलेगा, लेकिन कितने रोजगार मिले? अभी आदरणीय मेरे से पूर्व में जो मान्यवर थे वो सारे आंकड़े बता रहे थे कि 3 करोड़ जो है युवा प्रतिवर्ष जो है बेरोजगार हो रहा। आप हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश के हाल देखो, अभी जो भर्ती हुई थी पुलिस कर्मी की जो भर्ती निकली थी उसमें 60,000 की भर्ती के लिए कितने लाख, 60 लाख बच्चों ने आवेदन किया, लेकिन उस भर्ती में क्या हुआ? उसका पेपर लीक कर दिया। क्यों भाई, कैसा काम चलेगा? क्या ऐसे सरकार चलेगी? आप धर्म के नाम पर लोगों को भ्रमित करते रहेंगे। अब मुझे ऐसा लगता है कि लोग भ्रमित होने वाले नहीं है, लोग राजनीति के अंदर